हमें जानकारी ये मिल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनका ये कहना है कि जब तक ई अहमद का पार्थिव शरीर यहाँ दिल्ली में है, ऐसे में चूंकि वो दिल्ली में ही है, ऐसे में आज की तारीख में बजट पेश करना ठीक नहीं है। हम आपको वो बयान सुनवा देते हैं पहले। And when dead body is here, house can't run. That is my contention. So I will tell other leaders also. Let us see all parties what stand they will take. But in my view, it should not be. It will not be proper to keep dead body and go ahead with the budget. इन माई व्यू, मैं ये सोचता हूँ कि अगर पार्थिव शरीर यहाँ पर है तो हमें बजट अनाउंसमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बाकी सारी पार्टियाँ जो फैसला लेती है, कांग्रेस उस फैसले के साथ है। बहरहाल, अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि अब हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं, नॉन स्टॉप सबसे बड़ी कवरेज यहाँ पर बजट को लेकर लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अब आलोक जी, आपका रुख कर लेती हूँ मैं। ये सारी बातें जो अभी आपने सुनी, इनोवेशन होना चाहिए लेकिन रियलिटी से नहीं भाग सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हम बहुत बढ़ा देते हैं, सरकार वो जो पॉइंट है फिर उस पॉइंट पर नहीं पहुँच, ब्रेक इवन पॉइंट जिसे कहते हैं, जहाँ ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, वो सरकार तलाश नहीं पाती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो फिर जनता सरकारें क्यों चुनेगी? नहीं रूबिका जी, दुनिया में ऐसे सब होता है। देखिए, आप चाहे ओबामा राष्ट्रपति वहाँ रहे हों या जर्मनी में हो, सब जगह जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ प्रेशर होगा, संसद में या मीडिया में। हम और आप कहते हैं अपेक्षा हमारी ये है, लेकिन ये सही है कि एक बैलेंस तो उनको करना होगा। आमदनी हमारे पास भी कैसे बढ़े, ये रास्ते खोजने होंगे। और इसके लिए जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने नोटबंदी के लिए किया गया, ऐसा ही हमें लगता है कि कुछ ऐसे कड़वे निर्णय भी सरकार को करने चाहिए, जिससे जैसे अभी हमारे विशेषज्ञों ने भी कहा है कि आप आमदनी बढ़ाइए तभी आप सोशल सर्विस सेक्टर में पैसा बढ़ा पाएंगे, वरना आप ये कहते हैं साधन हमारे पास कम है। तो वो आमदनी जहाँ से बढ़ सकती है जिनके पास, अब लेकिन उसमें सही है कि कॉरपोरेट पर या एग्रीकल्चर पर या जहाँ जिनके पास ज़्यादा जमीन है, ज़्यादा जायदाद है, उन पर यदि टैक्स लगाते हैं उनको भी खुश रखना है। तो ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी, और भारत जैसे देश की तुलना पश्चिमी देशों से नहीं होगी। जैसा मैं इसलिए फिर से एक बार जोड़ूंगा, जैसे रेल का किराए की बात अभी आपने उठाई थी, बहुत वरिष्ठ विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे आज अनाउंस ना करें लेकिन वो महीने भर बाद सही, रेल का किराया बढ़ाने की तरफ। और ये बजट इसके साथ जो मिलाया जा रहा है दुनिया के देशों में, और उसको यदि आधार मान करके भारत में भी एक प्रयास ये भी होगा कि उसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की तरफ ले जाया जाए। और इसीलिए चाहे अभी जमीन बेस्ड की बात है कि उस जमीन का उपयोग हो, लेकिन रेल का किराया आप आश्रय यूरोप के देशों में रेल ज्यादा महंगी है, और ऐसा नहीं है कि, और हमारे यहाँ कहा गया है कि एयर इंडिया या उन्होंने एयरलाइंस में जिस तरह का रेट है तो जो कि रेल में भी क्यों नहीं होना चाहिए। तो जो ज्यादा सुविधाओं की बात जब की जाती है, लग्जरी ट्रेन की बात करते हैं, तो उसके किराए बढ़ेंगे, कुछ और वातानुकूल के किराए बढ़ाने पड़ेंगे तभी आप सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। वरना आप सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो गरीब आदमी आदिवासी चल रहा है, दलित चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, कश्मीर में जाना है, वहाँ के रेट कम रखना होंगे, उसकी तुलना आप अमेरिका और ब्रिटेन से नहीं कर सकते। तो ये हमें बैलेंस करने के लिए सामंजस्य कुछ कड़े निर्णय, मतलब जिनको तकलीफ, जो ऐसा वर्ग है जिसका ज़्यादा पैसा है उसको तकलीफ देने के कष्ट उठाने होंगे। फिर चाहे ओबामा भी ऐसी कोशिश कर रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं बाद में लगा कि नहीं, दूसरी पार्टी रिपब्लिकन और ट्रंप साहब जैसे राष्ट्रपति भी वहां बन गए। विजय जी, ये ब्रेक इवन कैसे लाया जाए? डिमोनेटाइजेशन जो है उसमें आपने ये सोचा था कि चाहे वो काला धन हो उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी, फिर बाद में वो डी मोनेटाइजेशन से डिजिटाइजेशन पर पूरा मामला आ गया था, और जिसका जिक्र अभी अभी आपने किया था क्योंकि उसका असर इनफॉर्मल सेक्टर्स पर बहुत पड़ा है। और मैं अभी यहाँ पढ़ रही हूँ, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये कहा है कि 34 दिनों बाद डिमोनेटाइजेशन के देखने को ये मिल रहा है कि 35% जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और 50% डिप इन रेवेन्यू आया है। कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, यही बात आती है कि इस देश की जो डाइवर्सिटी है ये चैलेंजेस भी बहुत लाती है, और जैसा आलोक जी ने कहा ये बहुत बड़ी बात है। अब अभी तक क्या था, इस देश में हमने जनता का एक मानसिकता ये बना दी थी कि साहब सरकार सब कुछ देख लेगी, हमें देने की कुछ आदत नहीं है। इस देश में एक मानसिकता ये बन चुकी है कि जहाँ तक हो सके फ्री मिल जाए, चाहे वो छोटे तबके का आदमी हो या बड़े तबके का आदमी हो।
इकोनॉमिक पॉलिसी में या मार्केट इकोनॉमी में ये होता है बेनिफिशियरी मस्ट पे, ये सिंपल कानून है। आपको लग्जरी ट्रेन चाहिए, यू पे फॉर इट। आपको लग्जरी बस चाहिए, यू पे फॉर इट। प्रॉब्लम ये है कि हम उम्मीद करते हैं रेलवे से कि रेलवे सब कुछ सस्ता कर दे, फ्री कर दे, रेट किराए ना बढ़े, लेकिन सुविधाएं बढ़ती जाए, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, पर अब बदलाव आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, तो आज हमें ये समझना पड़ेगा, इस समाज में भी हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा चुनौती क्या है। जितना हमारा वोट बेस, अगर मैं एडल्ट इंडिया की बात करूं, सिर्फ 7% लोग टैक्स देते हैं, 93% लोग टैक्स नहीं देते हैं। दुनिया में ये रेशो रिवर्स है। आज 7% आदमी क्या 93% लोगों का खर्चा उठा पाएंगे, ये मुद्दा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने, किसी भी सरकार के सामने हमेशा ये रहा है कि हम टैक्स बेस को कैसे बढ़ाएं। डीमोनेटाइजेशन का अगर आप पॉजिटिव साइड देखना चाहें तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि लोग बैंक से जुड़े हैं और टैक्स बेस बढ़ेगा। क्योंकि जैसे भी आप कहें कि चाहे किसी की 5 लाख इनकम थी या 50 लाख थी या 500 करोड़ थी, अगर वो सिस्टम से जुड़ा है, ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको जवाबदेही तो बनती है कि उसने टैक्स दिया या नहीं। इनडायरेक्टली जो आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फायदा इस देश को होगा वो ये होगा कि टैक्स बेस बढ़ेगा। जब टैक्स बेस बढ़ता है तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि 7% से अगर 14% टैक्स हो गया या 20% टैक्स हो गया तो आपके पास रिसोर्सेज जनरेट हो गए। एक तरीका ये है। दूसरा, हमारे पास इस देश में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज है, जैसे रेलवे की बात है। लेकिन मैं कैश के ऊपर ही आ रही हूँ, और हिमांशु जी मुझे कम शब्दों में बताइएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें ये कहा है कि द चेंज शुड बी ग्रेजुअल रादर देन फोर्सिंग ऑन पीपल। आप इसे मजबूरी या आप इसे ठोस कदम के तौर पर नहीं बार बार डाल सकते। डिजिटलाइजेशन इज नॉट अ पेनेसिया नॉर इज कैश ऑल बैड। लेकिन बार बार सरकार का ये कहना कि हमें कैशलेस हो जाना चाहिए, हमें डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपको लगता है कि एक देश की इकोनॉमी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है या फिर दोनों को साथ ले जाना बहुत महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपको रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। जो बार बार आ रहा है, जैसे अभी सरदाना जी ने बताया कि जो पूरा बजट है उसको रियलिस्टिक भी होने की जरूरत है, वैसे ही डिजिटल इंडिया के लिए और पूरा डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट ये इतना आसान भी नहीं है। अगर आप अपने पूरे देश की ज्योग्राफी को देखें, हमारे ऐसे कितने लोग अभी पहले इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने लोगों को उस इंटरनेट की यूज में किसी भी प्राइवेट या सरकारी या भीम हो या पेटीएम हो, वो यूज़ करने आता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत जो मुझे समझ में आती है कि पहले लोगों को अवेयर किया जाए कि ये डिजिटल होता क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, लोगों को ना पेटीएम आता है, ना पेटीएम समझ में आता है, ना भीम समझ में आता है, ना उनके पास बैंक अकाउंट है। पहले आप ये देखें ना कि हमारे पास कितने बैंक अकाउंट है। पूरा ले देखिए, 25 करोड़ हमारे पास बैंक अकाउंट है, उसमें हो सकता है कि आपके 4 अकाउंट हो, मेरे 6 अकाउंट हैं। तो अगर आप, अच्छा ये भी नहीं है कि वो बता हुआ है सब नंबर्स, हाँ। ये नंबर्स है कि कितने बैंक अकाउंट है। मेरे 4 बैंक अकाउंट है, यानी कि 4 तो मेरे ही हो गए। हो सकता है जितने लोग पैनल पे बैठे इनके 2-3 अकाउंट होंगे ही होंगे। सो ये अगर रियलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो 15 करोड़ या 14 करोड़ के आसपास बैंक अकाउंट है हमारे पास। तो आप जब तक रियलिस्टिक नहीं हो पाएंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा तो टैक्स बेस बढ़ेगा, सारी चीज़ें कलेक्शन बढ़ेगी, बट हम रियलिस्टिक नहीं है। ये जैसे बेटी बचाओ और एक सफाई अभियान जैसे मोदी जी चला रहे हैं, उस तरह का एक बहुत ही लंबा और एक रेवोल्यूशन की तरह इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। और ये अभी अगर हम अपने घर में जाएँ तो आप अपने घर या कहीं भी आप बात करें, सबसे बड़ा जो हमें ऊपर से सीखते हुए आए हैं, कैश हमेशा अपने पास अच्छा होता है। ये हमेशा हमें सिखाया गया है कि सबसे बुरे टाइम में क्या जरूरत आती है, तो आपका कैश। तो ये हमारी एक जो वाइब है, यस, ये आप एक दिन में इसको आप तोड़ नहीं कैसे सकते करेंगे? ये हमारे डीएनए में है, बहुत बड़ा चैलेंज। ये ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के ऊपर से। नितिन जी भी जुड़े हुए हैं और सुनील पाल साहब भी बने हुए हैं। नितिन जी, 20 सेकंड में आप भी इन्हीं सारी चीजों को लेकर बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में पहले इस मसले पर बात कर चुके हैं, टैक्स बेस को बढ़ाना जरूरी है। और जैसा विजय जी ने बताया, 93% सर आप बता रहे हैं, 7% टैक्सेबल है, 7% लोग टैक्स देते हैं और 93% नहीं देते। सर ये 93% मतलब मेरी आंखें वाकई जितनी खुल सकती थी उतनी। सर ने एडल्ट बताया, सिर्फ 3% वोटर्स अगर आप वोट करें, हाँ। एडल्ट को लेकर चलते हैं, क्योंकि बैंकिंग में आपका एडल्ट होना जरूरी है। तो 3% जो एडल्ट है, जो वोटर्स हैं, वो देते, 7% जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, और बाकी 93% नहीं देते। 93% लोग नहीं देते हैं सर।
फिर बताइए, उनकी आमदनी भी नहीं है रूबिका जी, ये भी ध्यान रखिए कि सब लोगों के पास आमदनी नहीं है ना सर, 93% के पास आमदनी नहीं है, 70% जो गांव में है। लेकिन आप ये देखिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो गांव में मजदूरी कर रहा है, यदि उस पॉपुलेशन और वोटर के हिसाब से आप कहेंगे, सो हमारे यहाँ तो आमदनी उस दुनिया के उन मुल्कों से, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप पश्चिम के देशों से मुकाबला मत करिए। आप हमारे यहाँ जो दिन भर में 25 रुपए कमाता है आप उस पर टैक्स थोड़ी लगा देंगे, आप जो दिन पूरे महीने में 3,000 कमाता है आप उस पर टैक्स कैसे लगा देंगे, बताइए। एकदम आपकी बात से मैं एक इसमें पॉइंट रखना चाहूंगा, पिछले साल जो इनकम टैक्स ने डेटा दिया है उसमें मैं केवल सैलरी क्लास पे आ रहा हूँ, लगभग 2,75,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। मैं गवर्नमेंट से डेटा की बात करूं, गवर्नमेंट में लगभग 3.5 करोड़, इसमें स्टेट सेंटर सब लोग मिला दें तो 3.5 करोड़ लोग जॉब में हैं। प्राइवेट सेक्टर को मैं अलग करके रखा हूं, अगर मेरे पास कोई रियलिस्टिक डेटा नहीं है लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पूरी आबादी का 3% 2% तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होगा, यानी कि अगर सब लेके भी हम चलें तो 8 से 9 करोड़ लोग हमारे यहां जो कि रोजगार में हैं। ये एक अलग मुद्दा है, टैक्सेबल है या नहीं वो हम बाद में आएंगे, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइल द रिटर्न। यस, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। एटलीस्ट कम से कम आप टैक्स ना दें, रिटर्न फाइल करें, उस बेस में आए, गवर्नमेंट को पता तो चले ना, क्योंकि आज हमारे पास एआईआर सिस्टम एक पॉइंट है। हाँ हिमांशु जी, ये पॉइंट है। नितिन सक्सेना साहब, आप ऑल इंडिया कंज्यूमर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, ये कंज्यूमर क्या हो सकता है, बहुत से मेरे व्यूअर्स इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन ये सिर्फ लेना जानते हैं और देना नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है। अगर जो टैक्स देना चाहता है तो सरकार भी कई बार उस बंदे को परेशान करती है, तो इस चक्कर में वो टैक्स देना नहीं चाहता। सरकार को लिबरल होना चाहिए, टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहिए और उसको है ना परेशान नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये होती है कि उसको परेशान किया जाता है। अगर वो टैक्स दे रहा है कि अगर कहता है कि मेरी आय 5 लाख है तो ITO जो उसको घूर के देखता है सोचता है कि इसकी आय जरूर 10 लाख होगी, तो इससे हम क्यों ना कुछ और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस चीज़ पर ज़रूरत है, ज़रूरत उस चीज़ की है, उस पर आप सरकार को निगाह रखनी चाहिए